सो शार्क्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आप लोग के लिए शार्क टैंक से कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स, और इस जजमेंट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करेंगे जज के प्रोडक्ट्स को जज करते हुए। सारे शार्क्स ने मिलकर तगड़ी बजाई है भाई, सारे एंटरप्रेन्योर्स की, और इस वाले वीडियो में आपका भाई सब बदले ले लेगा। सबसे पहले शार्क के प्रोडक्ट लेके आओ। सो स्टार्ट करते हैं शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट से। भाई बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए प्रोडक्ट निकालना, कस्टम बॉक्स को कर देंगे अनबॉक्स। पैकेजिंग तो काफी एक्सपेंसिव सी लग रही है, और ये है मैंगो फ्लेवर का मॉइस्चराइजर। बेसिकली मैं यूज करता हूँ ये वैसलीन का प्यारा सा अच्छा सा लिप केयर करने वाला लिप बाम, और इससे मैं पूरा सेटिस्फाइड भी हूँ। लेकिन देखते हैं शुगर कितना सेटिस्फाई करता है मेरे को। वाह क्या सीन है। टिप्स एंड लिप्स मॉइस्चराइजर बाम, लॉन्ग लास्टिंग, पढ़ के तो टेस्ट करने का मन कर गया। पैकेजिंग देखने में अच्छी थी भाई, लेकिन थोड़ी डेंजरस है ऑनेस्टली। इसकी प्राइसिंग 200 रुपए है भाई, ऑनेस्टली काफी महंगा है, क्योंकि ये आता है 35 रुपए का यार। क्वांटिटी भी उतना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम भाई ये मेल के लिए कि फीमेल के लिए, लेकिन भाई लिप्स तो सबके ड्राई होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई इससे मैं बहुत खुश हूँ भाई। भाई तो महंगा सा लग रहा है यार, कलर भी कर रहा है लिप्स को। ऑनेस्टली इसको लगाने के बाद थोड़ा लिप ज्यादा ग्लॉसी से हो गया यार, और ऐसे दिख रहा है, ये मेरे को नहीं चाहिए। कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, लेकिन भाई 200 रुपए के हिसाब से डेफिनेटली भाई ओवर प्राइस्ड है। लेकिन मैं इसको यूज कर लूंगा कि पैसा लग चुका है ना भाई। शायद लड़कियों के लिए नॉर्मल प्राइसिंग है ये, लेकिन भाई महंगा लग रहा है मेरे को। अपना वैसलीन बड़ा ही प्यारा है, 35 रुपीज ओनली। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी इंसान ना इसको पब्लिक में यूज कर सकता है। इसको ना ये थोड़ा ज्यादा आई कैची और एक्स्ट्रा अटेंशन ग्रैब करेगा, लेकिन इसको मैं आराम से पब्लिक में यूज कर सकता हूँ। लड़कियों के लिए नॉर्मल है, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा सा यू नो एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मेरे को दिक्कत नहीं है, घर में तो रहते हैं। वैसे क्वालिटी काफी अच्छी, प्रोडक्ट इजी टू यूज था, स्मेल उसमें अच्छा कर रहा है भाई। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग मैं थोड़ी देर के बाद करके आपको अच्छे से बता पाऊंगा इसके बारे में। शुगर ज्यादा हो गया भाई, थोड़ा नमकीन ऐड कर लेते हैं। तो आपके सामने पेश है बनाना चिप्स। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में बनाना चिप्स बहुत कम खाते हैं लोग, थोड़ा सा ज्यादा नॉर्थ इंडिया के साइड डिमांड बढ़ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। अनबॉक्स करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। पैकेजिंग काफी अच्छी, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हम लोगों ने, लेकिन भाई फ्लिपकार्ट का कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। प्राइसिंग है 360 रुपीज, 150 ग्राम का 3 पैक मिला है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा भेजा है मेरे हिसाब से। ओरिजिनल स्टाइल वाला 200 ग्राम है, पेरी पेरी 150 ग्राम है, और एक क्रीम है अनियन वाला भी 150 ग्राम है। इतने छोटे पैक में 150 ग्राम डाल दिया, और इसमें भी 150 ग्राम है। थोड़ा सस्ता स्टार्टअप फील तो डेफिनेटली है इसके अंदर। चिप्स एंड बिस्किट लेने से पहले ट्राई करते हैं कि भाई अंदर का टुकड़ा वुकड़ा तो नहीं है, तो थोड़ा सा चिप्स खा लिया जाए भैया। चाय? हाँ, चिप्स और चाय का जो कॉम्बिनेशन है ना वो ट्राई किया जाए। क्यों भाई माधव? बिल्कुल भाई स्क्रिप्टेड नहीं था ये। पेरी पेरी मेरा बहुत ही फेवरेट फ्लेवर है भाई, अच्छा स्मेल है यार ये तो। ट्राई कीजिए सर। कुछ टेस्ट का पता नहीं चल रहा, क्रीम एंड अनियन वाला नहीं पता नहीं आ रहा। पेरी पेरी ट्राई कर, पेरी पेरी वाला अगर बनाना चिप्स वाले देख रहे हैं थोड़ा पैकिंग इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में इसको कम्प्लीट नहीं करेंगे, ऐसा डिब्बे में रखना मेरे को पसंद नहीं है। अदरवाइज टेस्ट काफी एवरेज था, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी थी उसकी, ऑर्गेनिक फील हो रहा था मेरे को डेफिनेटली। और जैसे कि वरुण ने बोला काफी क्रिस्प और पतला था, अगर नॉर्मल मार्केट की बात करो तो थोड़ा थिक होता है, और टेस्टी भी। पेरी पेरी वाला बहुत टेस्टी था, लेकिन उसके बाद अनियन वाला, उसके बाद ओरिजिनल। अनियन और ओरिजिनल में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन हेल्दी फील हो रहा था। इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल यूज किया, इतना फ्राइड नहीं लग रहा था, काफी बेक्ड फील आ रहा था, तो डेफिनेटली ऑन अ हेल्दियर साइड है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, और पानी पी लेना। बस पानी तो रोज ही पीते हैं यार, आज थोड़ा हेल्दी पानी पीते हैं बियॉन्ड वाटर का। पूरे एपिसोड में खाना पीना किया उन्होंने, हम लोगों को भी खाना पीना करना पड़ रहा है यार। बस फर्क है कि हम लोग खरीदना पड़ा दोस्तों, इसी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफी सस्ती पैकेजिंग भाई, और काफी महंगा प्रोडक्ट भी था। पुस्तक मिली है इसके अंदर, 700 रुपए का है भाई। इनके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी आते हैं, और भाई पैकेजिंग थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, 700 रुपए वाली पैकेजिंग नहीं लग रही है। 24 सर्विंग है इसके अंदर, 2 सर्व तो अभी कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और दूसरा है वाटर मेलन फ्लेवर। सो दोस्तों पानी पीने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक वाटर बॉटल, और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो प्यारा सा कप। लेकिन यूज करूं कैसे? फ्लिप, स्क्वीज फॉर 2 सेकंड, ड्रिंक, ओ घुमाइए, ढक्कन खोलिए, और 2 सेकंड के लिए। ये वाला वाटर मेलन फ्लेवर है, 1 2 चीयर्स भाई। टेस्टी तो नहीं बना यार ये। क्या वाटर मेलन दवाई जैसा लग रहा है वैसे।
ठीक है, हो गया टेस्टी, लेकिन भाई पानी का टेस्ट इस पानी का टेस्ट, यू कांट रिप्लेस। पीने के बाद मुंह ऐसा सूखा सूखा सा हो गया, एनर्जी फील हो रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। ऑनेस्टली मैं इसको दोबारा तो ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट का नीचे मुझको पता नहीं भाई कि किस टाइप के लोग यूज करते हैं इसको। मैंने जो यूज किया मेरे को टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। स्टार्टअप से मेरे को बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा प्यार है ना मेरे को। टेस्टी तो उतना नहीं है, वाटर के टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करता है। जितना अमाउंट यूज करना है आपको, उससे बस पानी थोड़ा सा फीकस हो जाएगा, इसलिए आपको फीका पानी पी रहे हो। इसमें लिखा हुआ 24 सर्विंग्स, लेकिन मुझको लगता है ऑनेस्टली कि 24 से आप काफी ज्यादा आराम से इसमें सर्व कर सकते हो। प्रोडक्ट अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, हेल्दी वेल्दी भी है। तो ऑडियंस, आपके सामने प्रेजेंट है आज के वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट, लेकिन इस वाले वीडियो का पार्ट टू भी आने वाला है। एक यहाँ पे है, एक फ्रिज में है, और एक डिलीवर होने वाला है जिसको अगली वीडियो में खाएंगे मस्त। अभी तक तो हमने बहुत छोटा मोटा खाया था, अगली वीडियो में मेन कोर्स खाएंगे। तो भाई इसने बोला कि रिव्यू एंड बिना कैश बैक पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं मैडम आपके लिए, आई मीन सर भी हो सकते हैं। 320 रुपए प्राइसिंग है, 3-4 और डिजाइन अवेलेबल थे। ऑनेस्टली जो अश्नीर भाई ने बोला था, ये तो आधा डिजाइन मेरे को जनपद का लग रहा है, थोड़ा सा सरोजनी नगर हो गया, थोड़ा जीके हो गया, सरोजनी नगर वाला फील तो आ रहा है भाई इसमें। क्वालिटी अच्छी, लेकिन ये क्वालिटी आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा, और हम भी उसको क्या यूज करेंगे वो तो भाई फ्यूचर में पता चलेगा आपको, लेकिन वही सरोजनी नगर वाला ही 300 रुपए के हिसाब से डेफिनेटली कॉस्टली प्रोडक्ट है। इवन कि इन्होंने अपने ब्रांड नेम में भी क्वालिटी काफी कट किया, देख लो मॉडर्न मेड का आरी कोमा में क्वालिटी ठीक ठाक है यार। कभी भूल से मत सोचना कि इसको कहीं गिफ्ट कर सकते हो, इसको आप लेके स्टेशनरी बना सकते हो। अंदर से स्टिचिंग दिखा देते हैं, जिपर की क्वालिटी अच्छी है, काफी फाइन सा लगा मुझको, लेकिन भाई इसको क्या यूज करें भाई। इसके अंदर हम लोग वो चीजें रख सकते हैं जो बार बार ढूंढना पड़ता है हम लोग को, तो डेफिनेटली उसके काम आ जाएगा। ये अपना बंदूक रख देते हैं इसके अंदर, और अपना प्रोफेशनल दोस्त रख देते हैं। जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सच में इसको ऐसे यूज करने वाला हूँ। तो ठीक है भाई, ओवर प्राइस है, सरोजनी में 100 रुपए में एकदम आराम से मिल जाएगा। तो इतने रखते हैं इस वाले वीडियो के लिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। और भाई जितने भी न्यू स्टार्टअप है उनको ट्राई किया करो कि सपोर्ट क्या करें, जैसे कि हमको आप सपोर्ट कर सकते हो, हम भी एक स्टार्टअप ही तो है। लाइक करो इस वाले वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। शार्क टैंक पार्ट 2 के लिए वेट करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वाली।